तो आप भी मत भूलिए कि मैं शेष नागिन हूं। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तू किसी मकसद से आई है, कुछ बदला लेने आई है। तेरी आंखों में दिखता है मुझे। हाँ, आई हूं मकसद से। तो आपको भी मेरी आंखों में वो दिखता है जो कुछ सालों पहले आपकी आंखों में दिखता था। तो आप इस घर में क्यों आई थी? इस देश को बचाने के लिए। ओह, तो इस देश को बचाने के लिए आपने उस आदमी से शादी कर ली है जानने के बाद भी कि वो एक देशद्रोही है। आप यहां आई थी अपना बदला लेने के लिए, फिर आपका बदला बदल गया, आपको उस आदमी से प्यार हो गया। हाथ हाथ दो अपना। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, हाँ तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। ऋषभ देशद्रोही नहीं है। पहले मैंने भी उन्हें गलत समझा, पर अब तू भी उन्हें गलत समझ रही है। वो तेरे पापा है प्रार्थना। नहीं, वो मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा वो थे जिसको आपके पति उस देशद्रोही ने मार दिया था। पता चला कि मेरे पापा ने आपको भेजा था इस देश को बचाने के लिए, पर आप उस देशद्रोही से प्यार कर बैठी, शादी कर ली, बच्चा पैदा कर लिया, और वो बच्ची मैं थी। बस मुझे ये पता नहीं कि मैं कैसे आपके पास से मेरे पापा के पास चली गई। पर अच्छा ही हुआ जो मैं अपने पापा के पास चली गई। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे संस्कार दिए, और एक अकेले नहीं पूरा परिवार बन के पाला है मुझे। शायद यही किस्मत ने लिखा था कि मुझे ही शक्तियाँ मिलनी थी, मुझे ही शेषनागिन बनना था, क्योंकि अगर मैं शेषनागिन नहीं बनती तो मेरे पास आपके पति, मेरे पापा के कातिलों को मारने की शक्तियाँ नहीं होती। मेरे पति ने तेरे पापा को नहीं मारा है प्रार्थना, नहीं मारा है। ये मौसम अचानक से इतना खराब क्यों हो रहा है? ये आपका प्यार बोल रहा है, आप प्यार में भटक गई है। बाकी सबसे तो बदला ले लिया, पर उस आदमी को छोड़ दिया, और देख लीजिए आज 20 साल बाद भी वो फिर से हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। अब क्या करेंगे आप? मैं पता करने पे आई तो मुझे ये सब पता चला कि मेरे पापा जो एक प्रोफेसर थे, अपने देश को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शेष नागिन को आमंत्रित किया भारत को उस महामारी से बचाने के लिए, और आपको उस घर में भेजा क्योंकि उन्हें लगता था कि इस घर में एक देशद्रोही है। और आपने क्या किया?
इस घर में बदला लेने आई थी आप, और इस घर में अपना घर बसा लिया। प्रार्थना कितनी बार कहूं मैं तुझे, मुझे पता चल गया था कि ऋषभ देशद्रोही नहीं है, है वो। 20 साल बाद मेरे पापा की मौत उसी आदमी की आंखों के सामने हुई है, और वो देशद्रोही नहीं है। सारे सबूत उनकी तरफ उंगली उठा रहे हैं, और वो देशद्रोही नहीं है। आपके आंखों में उनके प्यार की पट्टी बंधी हुई है, तो वो देशद्रोही नहीं है। प्रार्थना, उन्हें गलत मत समझ, वो तेरे पापा है। हाँ, दिया है उन्होंने मुझे जन्म, पर वो मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा तो मर चुके हैं, जिंदा है वो, वही है जिन्होंने तेरा कन्यादान किया है। उनका दिल देख, अनमोल से कितना ज्यादा प्यार करते हैं वो। बेटी का दिल टूट गया, पर अपनी बेटी का दर्द पी गए वो, और सही गलत में से सही को चुना। और जैसे उन्हें पता चला कि रुद्र तुझसे प्यार करता है, उन्होंने रुद्र की शादी तुझसे करवा दी। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि तू उनकी बेटी है, पर फिर भी उन्होंने तेरा साथ दिया। ऐसा इंसान अपने देश के खिलाफ कैसे जा सकता है? नहीं, ऋषभ अगर सबसे ज्यादा प्यार किसी से करते हैं तो वो है उनका देश। सच कहते हैं लोग, प्यार अंधा होता है। 2 पल के लिए मेरे दिल में भी उनके लिए वो प्यार आया था, जब उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा था, पर बाद में मुझे एहसास हुआ कि वो ढोंगी है। एक खूनी कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता। प्रार्थना, तू पागल हो गई है, पागल हो गई है तू। पर मैं तुझे इस घर को, इस परिवार को एक खरोच भी नहीं लाने दूंगी। खरोच नहीं, मौत दूंगी मैं सबको। रोक सकती है तो रोक लीजिए आप, मुझे इस घर से निकाल दीजिए। हाँ, निकाल दूंगी मैं। मुझे इस घर में अनमोल ने रोका है, दुनिया की नजरों में अपने आप को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए, क्योंकि उसकी दिवाली पार्टी में कोई उसे ये ना पूछे कि कोई उसे छोड़ के चला गया। इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। तेरा यहाँ होने का मकसद कुछ और है, बता मुझे। बता, रुद्र और ऋषभ के साथ क्या करने वाली है तू, बता। बहुत जल्द पता चल जाएगा। क्या आपने सबसे ज्यादा जिसे प्यार किया उसे अपनी बाहों में मरते हुए देखा है? आपने कभी अपने पापा की लाश अपने हाथों में देखी है? देखा है मैंने, तो फिर आप मेरा दर्द कैसे नहीं समझ रही? नागिन बदला लेती है, अपना खुद का बदला लेती है, अपनों का बदला लेती है, लेकिन एक शेष नागिन दुनिया का बदला लेती है, देश का बदला लेती है। उसे खुद के बदले की कोई परवाह नहीं होती। अगर देश का बदला और खुद का बदला एक हो तो मेरे पापा एक प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने देश की सेवा की है, कर रहे थे वो, पर एक देशद्रोही ने उन्हें मार दिया। और अब मैं उससे बदला लूंगी। रोक के दिखाइए आप मुझे, मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल के दिखाऊंगी 2 दिनों में। ये मेरी चुनौती है तुझे, तो मेरी भी चुनौती है। मैं आपके पति को उनके जिंदगी से निकाल के दिखाऊंगी। ये शेष नागिन का वादा है।